बैक माय यूट्यूब चैनल आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है तो यू पी न्यूज़ पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को शेयर भी किया करिए और लाइक भी किया करिए तो एक और ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और पुलिस वेरिफिकेशन जिन लोगों का हो गया है उनका एल क्यों नहीं हुआ अभी तक इसके बारे में भी चर्चा करेंगे ज्वाइनिंग लेटर कब तक जारी होंगे कोर्ट केस अपडेट क्या है और कुछ लोग फालतू कमेंट कर रहे थे बोल रहे थे कि आप किसी दूसरे का डाटा ले रहे हैं अपना सोच लगाइए तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ देख लीजिए मैंने अपना नाम इस पर नहीं लिखा है ये भी देख लीजिए ये देख सकते हैं आप लोग पता नहीं क्यों कमेंट करते हैं फालतू तो के आप लोग चैनल पे खुद आइए नहीं अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है कोई तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितना तेज़ काम चल रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए वाराणसी पर क्षेत्र का ये नोटिस आया था तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी अदर स्टेट वाले हैं ये देख लीजिए जितने भी अदर स्टेट वालों का है उन्होंने कहा है जल्दी से जल्दी अनुमति प्रदान करें और इनका जल्दी जल्दी भेजने की कृपा करें तो देख सकते हैं यहाँ पे और मान अर्ची पर छेतने लोगों को मांगा है जो अदर स्टेट वाले हैं अदर स्टेट वालों का उन्होंने कहा है जल्दी जल्दी भेज के सत्यापन और हमें प्रोवाइड कराइए इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक और नोटिस देख लीजिए यहाँ पर ये देख लीजिए सोलह तारीख का नोटिस है आर संदेश देख लीजिए कृपया कृपया अवगत कराना है कि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधा सीधी भर्ती दो हज़ार बाईस इक्कीस के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के चरित फार्म संख्या जो बानवे भरवाया गया है थानों को पूर्व में प्रेषित किया गया है तत्काल उन सभी का चरित सत्या अपने निर्देश में पूर्ण कर कल प्रातः मतलब आज सत्रह तारीख को दस बजे तक प्रत्येक दिशा में भेजना सुनिश्चित करें विलम्ब ना करें प्रकरण भर्ती से संबंधित है और अति महत्वपूर्ण है, है तो देख सकते हैं आप लोग आप लोगों का काम कितना फास्ट चल रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं तो और जो, जो ज्वाइनिंग लेटर वाली खबर है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस मंथ के लास्ट तक आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर के लिए न्यूज़ मिल जाएगी तो आप लोग टेंशन ना लें और मैं आप लोगों को कोर्ट केस अपडेट भी बता देता हूँ कि कोर्ट में अभी आप केस ये अनलिस्टिड कर दिया गया है केस से आप लोग परेशान ना हो क्योंकि अब कुछ रहा नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज्वाइनिंग टाइम पे होनी ही आप लोगों की तो आप लोग इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं है तो आप लोगों का काम बहुत फास्ट चल रहा है मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया यहाँ पर का भी और हर जगह के नोटिस आ रहे हैं मैं आप लोगों को जैसे ही कोई दूसरी न्यूज आएगी प्रोवाइड कराता रहूँगा जानकारी कर लेते हैं एल के लिए तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिन लोगों का फुलिस वेरीफिकेशन हो चुका है जैसे कोई जॉब कर रहा है या किसी का कॉलेज दूर पड़ रहा है या फिर कॉलेज से संपर्क नहीं हो पा रहा है जब कॉलेज से आप लोगों का वेरीफिकेशन के आ जाएगा इसके बाद आप लोगों को एल के लिए कॉल आएगी या एल वाले स्वयं ही कर लेंगे आप लोगों का एल वेरीफिकेशन तो इसलिए आपको एल के बारे में अभी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जैसे ही आप लोगों कॉलेज या कहीं आप जॉब कर रहे हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट से आपने कॉलेज की पढ़ाई की है जो भी तो वहाँ पे वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद ही एल वाला आपका काम होगा इसलिए एल लेट हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे मेरे द्वारा दी गई जानकारी तो आप लोगों का एल जल्द से जल्द हो जाएगा आप लोग अपने कॉलेज से अगर फोन को हमेशा कवरेज में रखें क्योंकि वहाँ से कॉल आ सकती है फिर पूछने के लिए तो आप लोगों को जैसे ही वो कंफर्म कर लेंगे आप लोगों का भेज दिया जाएगा फिर आप लोगों को यहाँ पे जैसे ही पुलिस अधीक्षक के पास आएगा एस पी ऑफिस तो वहाँ से आप लोगों का एल आयू वेरीफ़िकेशन भी हो जाएगा तो जय हिंद जय जै भारत वंदे मातरम मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग मस्त रहें मुस्कुराते रहें